आज हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस थ्योरम में क्या होता है, एक ऐसे लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है जिसके कारण पूरे सर्किट में सोर्स से लोड की तरफ क्या हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या किया जाता है, ऐसे लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है जिसके कारण पूरे सर्किट में सोर्स से लोड की तरफ क्या हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद उसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है, अ रेजिस्टेंस लोड बीइंग कनेक्टेड टू अ डीसी नेटवर्क रिसीव्स मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में क्या होता है, कैसे सर्किट में, डीसी नेटवर्क या सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होता है, जब क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के या पूरे सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर में हो जाता है। और कई थ्योरम में इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के जगह क्या लिखा जाता है, सोर्स रेजिस्टेंस लिखा जाता है। तो किसी भी डीसी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होता है, जब कभी भी लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर में हो, तभी क्या होगा, किसी भी सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से है वो। तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, एक डीसी सोर्स नेटवर्क लिया हुआ है। यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम ए है और बी है। इस पॉइंट के साथ क्या है, लोड रेजिस्टेंस आरएल कनेक्टेड है और उससे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या है, आई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डीसी सोर्स नेटवर्क से क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके क्या क्या का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ RTH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो VTH और RTH का कैलकुलेशन प्रोसीजर समझने के लिए आप मेरा थेवेनिन थ्योरम वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पूरे डीसी सोर्स नेटवर्क से क्या करना है, VTH और RTH का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आगे देखते हैं इस VTH और RTH का यूज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में किस प्रकार से किया जाता है। तो आगे क्या करेंगे, इस VTH और RTH को यूज़ करके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में RTH और VTH को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो ये जो पॉइंट है A और B, यहाँ पर पॉइंट A और B के अक्रॉस हम लोगों ने किसका वैल्यू कैलकुलेट किया है, VTH और RTH का। और पॉइंट A और B के बीच में क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो इस लोड रेजिस्टेंस को पॉइंट A और B के बीच में क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लोड रेजिस्टेंस पर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो करंट का वैल्यू क्या होगा,
I is equal to VTH upon RTH plus RL। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि कोई भी एक डीसी सोर्स नेटवर्क लिया है, उसमें VTH और RTH का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, उस VTH और RTH का वैल्यू को यूज़ करके लोड रेजिस्टेंस पर क्या किया है, करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया है। अब आगे देखते हैं, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टिव लोड, टू द रेजिस्टिव लोड। तो आप लोग पावर का फार्मूला तो जानते ही होंगे, पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आर कौन सा हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यह जो आई का वैल्यू मिला है उसको इस पावर के इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो कितना मिलेगा हम लोगों को, पी इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितने टर्म हैं, एक वी टी एच है, एक आर टी एच है और एक आर एल है। तो अब क्या होगा, किसी भी सर्किट से क्या करेंगे, वी टी एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आर टी एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यह दोनों वैल्यू तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब हम लोग किसके वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसे वेरी करना है कि पूरे सर्किट में क्या हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। तो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा कंडीशन होना चाहिए, आइए देखते हैं। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तो हमको क्या करना होगा, जो ऊपर दिए गए इक्वेशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो के इक्वल में क्या करना होगा, रखना होगा। क्यों आरएल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया गया, क्योंकि वीटीएच और आरटीएच का टर्म क्या है, किसी भी सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और किसके वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, हम लोग लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को ही वेरी कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, ऊपर वाले इक्वेशन को आरएल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और किसके इक्वल में रखेंगे, जीरो के इक्वल में। अब आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, तो यहाँ पर पी का वैल्यू पुट करेंगे तो डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी आर एल, और इसको तोड़ के लिख सकते हैं वी टी एच का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और साथ में इनटू में आर एल इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या देखेंगे, यह वी टी एच वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो डिफरेंशियल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तब और कैसे लिख सकते हैं, वी टी एच का स्क्वायर डी अपॉन डी आर एल, और यहाँ पर कितना बचेगा, आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यह वाला टर्म इधर जाके क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी आर एल,
तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं, RL तो वैसी का वैसी रहेगा, और इस टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL टू द पावर माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशियल का फार्मूला लगाएंगे, जब क्या हो, दो टर्म क्या हो, इन टू में हो, तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड टर्म मान लेते हैं। तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टर्म को वैसी का वैसी लिख लेते हैं, आर एल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर माइनस टू। अब क्या करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज लिखेंगे, आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर माइनस टू, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आर एल का आर एल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले पावर क्या हो जाएगा, सामने में आ जाएगा टू, और क्या हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर क्या होगा, माइनस थ्री। अब अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो आर टी एच का आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और आर एल का आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। यहाँ तक ठीक। अब आगे देखेंगे, ये वाला टर्म तो वैसी का वैसी रहेगा, तो आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर माइनस टू, और आर एल का आर एल के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो क्या मिलेगा, वन, और आगे क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये पावर माइनस थ्री है और ये माइनस टू है, फिर नीचे होके क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जब इसको क्या किस में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा पावर। न्यूमरेटर में कौन कौन सा टर्म बचेगा, माइनस टू आर एल। अब जब यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर थ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर क्या हो जाएगा, टू, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। अब आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आइए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो किस प्रकार से होगा, पूरे के अपॉन में कितना लेना पड़ेगा, आर टी एच प्लस आर एल टू दी पावर क्या हो जाएगा, थ्री। अब ये वाला टर्म तो वैसी का वैसी होगा, माइनस टू आर एल, और इधर कितना बचेगा, सबसे पहले इसको साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा, आर टी एच प्लस आर एल, और उसका किसके साथ, वन के साथ इनटू हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, आर टी एच प्लस आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यह वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब हम लोगों को कौन सा टर्म बचेगा, यह जो टर्म दिख रहा है न्यूमरेटर में, वही टर्म बस बचेगा, तो लिख सकते हैं, माइनस टू आर एल प्लस आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या होगा, यह दो टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। तो यह वो कंडीशन है जिस पर क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो कौन सा कंडीशन है, जब कभी भी क्या हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान
या लोड रेजिस्टेंस का मान एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जिस कंडीशन पर क्या होगा, पूरे सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो आइए हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है, अभी आप लोग देख ही चुके हैं, पावर इज इक्वल टू होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इनटू RL। तो अब क्या करूँगा, सभी RL के जगह क्या करेंगे, RTH पुट करेंगे, तो कितना होगा P max, तो कितना हो जाएगा VTH का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा RTH प्लस RTH का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा RTH हो जाएगा। अब क्या होगा, यह दोनों टर्म जुड़ जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा VTH का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 RTH का स्क्वायर इनटू RTH। अब क्या होगा, यहाँ का एक टर्म और यहाँ का एक टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना मिलेगा, VTH का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 RTH। तो हम लोगों को मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा किसी भी सर्किट में, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस RTH के जगह चाहे तो हम लोग RL भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो या समझाने का मेथड अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।